वेलकम टू अवर चैनल स्पाइसेस फूडी। क्या आप जानते हैं बिरयानी बनाने की शुरुआत कहां से हुई थी? भारत ने ही इसको बनाने की शुरुआत की थी। आज हम भी वही स्टाइल की वेजिटेबल दम बिरयानी बनाएंगे जो राजा रानिया पसंद करते थे, बहुत ही अलग ढंग से आज हम बनाएंगे बिरयानी। चलो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो पहले हम बिरयानी का मसाला बना लेते हैं। पैन गरम हो जाए, बाद में उसमें ये सब मसाला डाल देंगे। उसका नाप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये मसाले से जो बिरयानी बनती है वो एकदम रेस्टोरेंट से भी बढ़िया लगेगी, और ये मसाला आप स्टोर भी कर सकते हैं। मसाले की खुशबू आए तब तक उसे लो फ्लेम पे हिलाते रहना है। बाद में उसे ठंडा करने के लिए रख देंगे और तुरंत कसूरी मेथी डाल देंगे ताकि वो भी थोड़ी पक जाए। मसाला ठंडा हो जाए, बाद में हम उसे पीसेंगे। मसाला जो हम पीसेंगे वो एकदम फाइन नहीं करेंगे, थोड़ा कोर्स रखेंगे। ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब बिरयानी के लिए हम अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस लेंगे, उसे पानी से धोकर साफ कर देंगे। जब तक हमारा पानी क्लियर नहीं हो जाता तब तक उसे साफ करेंगे। अब इसे 15 से 20 मिनट तक भीगने के लिए रख देंगे। अब हम वेजिटेबल इस साइज में कटिंग करेंगे। अब हम बिरयानी का मेन कंपोनेंट बनाएंगे, दही की ग्रेवी। इसमें हम सब मसाला और वेजिटेबल डाल देंगे, ये सब डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। अब एक बड़ा बर्तन जो हम ढक सके वैसा लेंगे, उसमें ये तेल और ये वेजिटेबल ग्रेवी डालेंगे और उसे पकने देंगे। यहाँ पर ये बात का खास ध्यान रखना, यहाँ हम वेजिटेबल को नहीं पका रहे हैं, हमारी दही की ग्रेवी है, उसमें से ऑयल छूटने लगे तब तक उसे पकाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी ग्रेवी में दही और ऑयल अलग हो गया है, यहाँ सब्जी हमारी पूरी पकी नहीं है। अब आगे चावल डालने से पहले हमारा ये लेयर कंप्लीट हो गया है। अब चावल को हम पका लेते हैं। तो पानी आप देख सकते हो एकदम खुलता हुआ होना चाहिए, उसमें थोड़े मसाले ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून शाही जीरा, 2 तेज पत्ते, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, 1 चक्री फूल यानी बादिया, 3 से 4 हरी इलायची, 3 से 4 साबुत काली मिर्च, 2 स्प्लिट की हुई हरी मिर्च, यहाँ पर आधा नींबू का रस पे ऐड कर रही हूँ और साथ में छिलका भी ऐड कर रही हूँ, उससे चावल खिले खिले बनते हैं। लास्ट में उसमें खूब सारा नमक डाल रही हूँ, एकदम समंदर के पानी जैसा सॉल्टी लगना चाहिए। 2-3 मिनट तक पानी को मसाले के साथ उबाल लेंगे, बाद में हम चावल डालेंगे। थोड़ी देर हाई फ्लेम पर उसको पकाना है, बहुत हिलाना नहीं है वरना चावल का दाने टूट जाते हैं। थोड़ी देर बाद लो फ्लेम पे पकाने के लिए रखेंगे। 4 से 5 मिनट में ये पक जाएंगे।
हमारे चावल अब 80% जितने पक गए हैं। अब हम उसे छन्नी से तुरंत ही निकाल लेंगे और हमारा जो फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर उसका अच्छे से लेयर बनाएंगे। बाद में हम केसर वाला दूध और 8-10 चम्मच गर्म घी भी डालेंगे। इससे बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर से थोड़ा धनिया डाल देंगे। अभी का प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। कोई एक कपड़े से बर्तन की धार को कवर करके भारी चीज से हमारी बिरयानी को बंद कर देंगे। बाद में उसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर और 15 मिनट तक लो फ्लेम पे ऐसे पकने देना है। बाद में थोड़ी देर उसे ठंडा होने देना है। हमारी वेज दम बिरयानी एकदम रेडी है। एकदम खिली खिली सी बिरयानी बनी है और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। एक बार जरूर ये बिरयानी ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनी है। चलो इसे हम सर्व कर लेते हैं। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।